हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारा जो यूट्यूब फैमिली है वो 100 मेंबर्स का हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इस रेफरेंस फ़ोटो को ले रहा हूँ, तो इसको आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप कोई सा पेंसिल ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं एजी पेंसिल और नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप नीडेबल इरेजर को छोड़ के कोई सा भी इरेजर यूज़ कर सकते हो। तो पहले क्या है कि जो रेफरेंस फ़ोटो है इसको आपको पहले समझना है कि जिस पेज पे आप बना रहे हो। तो यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन में इस पोर्ट्रेट को बनाऊँगा, यानी कि जो कंपोजिशन है इसको मैं धीरे धीरे करके क्रिएट करूँगा। तो पहले क्या है कि जो सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मैं पहले इसको कन्वर्ट करूँगा, देन धीरे धीरे हर एक चीज़ को आगे बनाते जाऊँगा। तो ये जो ड्राइंग की चीज़ें हैं, ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को आपको करना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। तो इसके ऊपर मैं बहुत सारे डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप नहीं देखे हो तो जाके चैनल को चेकआउट करिए। तो यहाँ पर और भी एक बार मैं बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन है, देन जो छोटे छोटे प्लेन्स है, जो फेशियल फीचर्स है, ये धीरे धीरे मैं ऐड कर रहा हूँ। देन जो फाइन लाइन से इसको नेक्स्ट करके ऐड कर रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्केच करिए, ताकि आपको जो पेंसिल्स वो पकड़ में आए, तब जाके जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल जो डोम्स की पेंसिल से 12 शेड्स का इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये तो बेसिकली एक चीप पेंसिल कलर है, तो इसको ही आज हम यूज़ करेंगे। तो इससे आप कैसे रेफरेंस फ़ोटो के मुताबिक कलर को ला सकते हो, इसको दिखाने की कोशिश रहेगा। तो क्या है कि यहाँ पर तो शेड्स का एक लिमिटेड रेंज है, तो आपको पहले एक बेस लेयर को पकड़ना है। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस फ़ोटो के मुताबिक येलो को बेस कलर के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जब बना रहे हो तब आपको जो बेस लेयर दिखे वही आप यूज़ करिएगा। तो क्या है कि जो पेपर वाइट है ये सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट है, और आपके हाथ में जो पेंसिल से या जो कलर पेंसिल है उसके जो ग्रेफाइट या जो कलर है वो सबसे ज़्यादा डार्क है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं हो सकता और आप कर भी नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू यानी जो लाइट एंड डार्क पार्ट है इसको आपको कंट्रोल में लाने की कोशिश करना है। तो जो शेडो है और जो हाफ टोन्स है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, और धीरे धीरे करके लेयर वाइज आपको काम करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मैं लेयर वाइज एक एक चीज़ को करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्या है कि जो हैचिंग या क्रॉस हैचिंग, जो नॉर्मल शेडिंग के टेक्निक्स है, इसको ही मैं यूज़ करते हुए जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको देख रहा हूँ और धीरे धीरे करके कर रहा हूँ। तो मैं एक एक चीज़ को नहीं रट रहा हूँ, जो वैल्यूज़ है इसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रहा हूँ। तो आप पहले बहुत ज़्यादा फास्ट मत करिए, जो बेसिक के चीज़ें हैं यानी कि जो वैल्यू वॉल्यूम है प्रोपोर्शन से, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। देन जो कलर्स है उस पर आप आइए, तो आपका जो ड्राइंग है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर कई जगहों पर मैं खुद की सोच को या खुद के जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ना कि जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको एज इट इज़ कर रहा हूँ। तो आप ये चीज़ आपको हेयर में देखने को मिलेगा, मैं कोई डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल हैचिंग है उसको ही ऐसे करके हेयर्स को कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा मेन फोकस जो आईज़ है, नोज़ है और लिप्स है, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान दिया हूँ, इसीलिए इस जगहों पर मैं बहुत ज़्यादा काम किया है या कर रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि मेरा जो वीडियोस है या
जो लोग मुझे फॉलो करते हो वो डेली प्रैक्टिस करते हो, और आप जो वीडियोस देख के सीख रहे हो ये तो मुझे पता चल ही नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं। जो क्वेरीज है उसको अगर कमेंट पे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा ना, इसीलिए आप अगर कमेंट करते हो तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को क्वेरीज है, या आप लोगों को इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या आप स्किल्स में इम्प्रूव कर पा रहे हो। तो आप लोग कमेंट करिए जो क्वेरीज है, या अगर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो ये सब चीज़ आप पूछते रहो, मैं जो भी जानता हूँ वो बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव गाइस, राधे राधे।